एल्विश के बारे में काफी न्यूज ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो बुरे वक्त जो होते हैं सपोजिटली बुरे वक्त, तो ये लोग जैसे थे आप लोग पता ही होगा, एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन्हें 14 दिन के लिए जेल के अंदर डाल रखा है। तो उसी के ऊपर पूजा भट्ट ने भी रिएक्ट किया है, उन्होंने क्या बोला आप लोग थोड़ी सुन लीजिए। मैम और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एल्विश के बारे में काफी न्यूज ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए, तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने क्या सोचा है इसमें, इस बात में कितनी सच्चाई आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज लॉयर एवरीथिंग इज हैपेंस इन द मीडिया बिफोर इट इवन गोज एनीवेयर। तो आई वुड जस्ट से दैट टाइम जो है इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल दीज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। और बुरे वक्त जो होते हैं सपोजिटली बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस, इन्फमी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं तो पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, अनकंफर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही ईजी टाइम्स, टेक इट ऑल विद अ ट्रकलोड ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इवेंचुअली द ट्रूथ कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बियॉन्ड।